नमस्ते, किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर स्वागत है आपका। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का संवाद है। मैंने मांडू नहीं देखा पढ़ते वक्त ये पंक्तियां बार बार मेरे दिमाग में आते जाते रहे। संयोग से लेखक की कलम से भी ये पंक्तियां किताब में आ चुके हैं। स्वदेश दीपक का लिखा मैंने मांडू नहीं देखा उनका एक आत्मसंस्मरण है, जिसे उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए लिखा है जब जीवन के 7 साल वो एक मनोरोगी बनकर बता रहे थे। देश दुनिया से पूरी तरह कटकर घर से अस्पताल, अस्पताल से घर तक की हदों में सीमित उनके ये 7 साल एक तरह से उनके साहित्यिक जीवन का अंत थे। वैसे स्वदेश दीपक कोई अनसुना नाम नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्वदेश दीपक को हिंदी साहित्य में 60 के दशक में पहचान मिलनी शुरू हुई। शुरुआत में एक कथाकार के रूप में और बहुत जल्द एक श्रेष्ठ नाटककार के रूप में उन्हें ख्याति मिली। 2004 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत भी किए गए। उनके साहित्यिक जीवन में उनकी कुल 17 किताबें प्रकाशित हुईं। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रही उनका लिखा एक नाटक कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के मंचन ने देश भर में धूम मचा दी। उस दौरान स्वदेश दीपक अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर थे कि अचानक एक मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ गए। डॉक्टरों के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर, जिससे वो 7 साल तक जूझते रहे। लेकिन उन्होंने वापसी की, ठीक होने के 3 साल बाद अपनी बीमारी के दौरान हुए अनुभवों को बयां करते हुए उन्होंने एक आत्मसंस्मरण मैंने मांडू नहीं देखा लिखा और एक नाटक सबसे उदास कविता लिखी। उनकी ये जोरदार वापसी उनके प्रशंसकों का दिल जीत ले गई। लेकिन 2006 की एक रोज़ वे घर से टहलने के लिए निकले और आज तक नहीं लौटे। उन्हें ढूंढ निकालने की हर कोशिश नाकाम। एक लेखक का जीवन बस इतना ही? सुनकर संतुष्टि नहीं हुई ना? लेखक के बारे में ज़्यादा जानने और समझने की जिज्ञासा भी बड़ी होगी, है ना? ऐसा लगता है जैसे स्वदेश दीपक अपने जीवन की कहानी पहले से ही खुद लिख रखी थी। जैसे उन्हें मालूम था कि वो एक दिन गुम हो जाएंगे और उनके खो जाने के बाद लोग उन्हें जानना समझना चाहेंगे, तो दुनिया उनके बारे में कहानियाँ गढ़े। इससे बेहतर है कि वो अपना संस्मरण खुद लिख डालें, अब सच जो भी। लेकिन स्वदेश दीपक की रचनाओं को अक्सर निर्दयी कहा गया। उनकी कहानियों में एक किस्म की वहशत होती है, एक स्तब्ध कर देने वाली शून्यता, एक अवाक कर देने वाला अंत। मृत्यु उनकी कहानियों का अवश्यंभावी तत्व है। वो इतनी क्रूवेल होती हैं कि आपको उन्हें पढ़कर इस समाज से नफरत हो सकती है, लेखक पर गुस्सा आ सकता है, आप लेखक की प्रतिभा पर हैरान हो सकते हैं। तो जिस तरह से ये उनकी लेखकीय विशेषताएं उनको बाकी लेखकों से अलग करती हैं, उसी तरह उनके व्यक्तित्व की भी कुछ विशेषताएं रहीं जो उन्हें बाकियों से अलग करती रहीं। एक तो उनका गुस्सैल स्वभाव और दूसरा खूबसूरत औरतों के प्रति उनकी नफरत, जिसके चर्चे साहित्यिक गलियारों में आम रहे। अपने व्यक्तित्व की इन्हीं खूबियों और खामियों को उन्होंने मैंने मांडू नहीं देखा में ईमानदारी से स्वीकार किया है। वो बताते हैं कि किस तरह कोर्ट मार्शल के मंचन के दौरान उनकी मुलाकात एक खूबसूरत औरत से होती है, जो उनके नाटकों की प्रशंसा करती है और उन पर इस कदर मुग्ध होती है कि उन्हें अपने साथ मांडू चलने का प्रस्ताव देती है। स्वभावतः स्वदेश दीपक उस पर नाराज होते हैं और न सिर्फ उसे डांटते हैं बल्कि अभद्र शब्द भी कहते हैं। जो उस औरत को नागवार गुजरता है और वो उन्हें 7 सालों के लिए अभिशप्त कर देती है। लेखक के अनुसार वो अपना बदला इस तरह लेती है कि वो उन्हें लिखने पढ़ने लायक नहीं छोड़ती। उनके शरीर का दायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है, उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि वो 3 बार आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं। उस खूबसूरत औरत को लेखक ने सिडक्ट्रेस या मायाविनी कहकर संबोधित किया है, जो उनकी बीमारी के बाद भी हर रोज़ उनसे मिलने आती थी और किसी को भी उसके आने का पता तक नहीं चलता था। इससे पहले कि आप इन सबको किसी बुरी आत्मा या सुपरनेचुरल पावर के साथ जोड़े, आप ध्यान देंगे कि किताब के हर पन्ने पर लेखक का साहित्य के प्रति गहरा अनुराग झलकता है। वो अपने लेखन से प्रेम करते थे, बल्कि सिर्फ उसी से प्रेम करते थे। अपने किरदारों के साथ हद दर्जे की क्रूरता बरतने के बावजूद उन्हें उनसे लगाव था। रोग की अवस्था में उन्हें हमेशा ये लगा करता जैसे उनकी कहानियों, उनके नाटकों के पात्र अपने साथ हुई क्रूरता का बदला मायाविनी के रूप में उनसे लेना चाहते हैं। उनकी कल्पना शक्ति अपने ही गढ़े किरदारों को वास्तविक जीवन में साकार कर रही थी,
जो उनके बीमारी की एक बड़ी वजह बनी। कठोर पीड़ा के उन दिनों को जब लेखक बिल्कुल निस्सहाय विवश थे, एक दूसरी ही दुनिया में गुम थे, मैंने मांडू नहीं देखा के जरिए उन्होंने फिर से जीने की कोशिश की है, बल्कि किताब पढ़ते हुए यूँ लगता है जैसे वो कभी उन दिनों से बाहर निकले ही नहीं। अपने अभिशप्त 7 सालों की इन यादों को लेखक ने टुकड़ों टुकड़ों में याद किया है, जिस वजह से उनकी यह स्मृति यात्रा अतीत से वर्तमान, वर्तमान से अतीत और कभी कभी भविष्य में भी निर्बाध गति से आवाजाही करती है। लेकिन पाठकों को असुविधा न हो इस वजह से किताब के 9 खंडों में जगह जगह वर्तमान और अतीत शीर्षक दे दिए गए हैं, जिससे पता चलता रहे कि कौन सा हिस्सा वर्तमान की बात कर रहा है और कौन सा हिस्सा अतीत की। किताब की भाषा में घुली उदासी हर पृष्ठ पर जीवन के निरर्थकता का बोध कराती है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अगर आप एक संवेदनशील पाठक हैं, यानी कि इमोशनल रीडर, तो ये किताब आपको परेशान कर सकती है, जिस तरह इसने मुझे भी किया। तो पढ़ने से पहले एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा, अपना मूड देख लीजिएगा कि आप इसे पढ़ सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक शब्द जो बार बार इस किताब में आया है और इसने मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट किया है, वो है खूबसूरत औरतों का जिक्र होना। किताब के अनुसार स्वदेश दीपक के इस हालत के जिम्मेदार एक खूबसूरत औरत है, और खूबसूरत औरतों का जिक्र इतनी बार आया है कि मुझे लगने लगा कि खूबसूरती का पैमाना अब वाकई बदल जाना चाहिए। यह किताब एक मनोरोगी की मनस्थिति को समझ पाने में, उसकी परिस्थितियों का अवलोकन करने में, उसके साथ किस तरह का व्यवहार जरूरी है ये समझ पाने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा एक ऐसा लेखक जो न कभी किसी से डरा, न किसी के सामने झुका, वो कैसे इस अंधेरी रास्तों में खो गया, ये जानना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक स्वदेश दीपक को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं उनकी पहली किताब के रूप में इसे पढ़ने की सलाह आपको नहीं दूंगी। बेहतर होगा कि आप इसके पहले उनकी कुछ अन्य किताबें पढ़ लें, जैसे कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, ऐसी कोई भी किताब एक बार उठा के पढ़ लीजिए, और उसके बाद जब आप उनका ये आत्मसंस्मरण उठाएंगे तो ये आपको अच्छी लगेगी और ज़्यादा सही तरीके से समझ में भी आएगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपकी मदद करेगा इस किताब को चुनने में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे पता है आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने विचार, अगर पढ़ रखी है ये किताब तो कैसी लगी और हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी, और हाँ, अगली वीडियो में हम एक गिव अवे लेकर के आ सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, घर पर रहिए और खूब सारे किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।